वेलकम टू दी चैनल ब्यूटी पूजा। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आई हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद, हेयर रिबॉन्डिंग के बाद या स्मूथनिंग के बाद कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए। तो एक्चुअल में आप जब हेयर स्ट्रेटनिंग करते हो तो आपको बताया जाता है कि जिस ब्रांड की आपने स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग कराई है तो उस ब्रांड का ही शैम्पू यूज करना चाहिए। वो लोग जहाँ से आपने स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग करवाई है वो लोग आपको सजेस्ट करेंगे, आपको रिकमेंड करेंगे कि आपने जिस ब्रांड की स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग की है उसी ब्रांड का आप शैम्पू यूज करिए, तो वो लोग आपको रिकमेंडेड करते हैं। तो हमें भी लगता है हमने इतना रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग करवाया है तो हमें वही शैम्पू यूज करना चाहिए। वो हमें जो शैम्पू रिकमेंड करते हैं वो अच्छा होता ही है फ्रेंड्स, बिकॉज हमने हमारे हेयर्स पे इतने ज्यादा केमिकल्स यूज किए हुए होते हैं। एक्चुअल में वो शैम्पू, हेयर मास्क या कंडीशनर हमारे हेयर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उसमें पैराबिन फ्री होता है, केमिकल्स फ्री होता है। और अगर हम जिस शैम्पू में पैराबिन है, केमिकल्स है, वो शैम्पू यूज करेंगे तो हमारे बाल तो झड़ जाएंगे ही। तो फ्रेंड्स मैं अभी मेरे बारे में बताती हूँ, मैंने 2021 में रिबॉन्डिंग किया था एंड अभी लगभग एक साल तो हो चुका है मेरे हेयर रिबॉन्डिंग को। फिर उससे मेरे हेयर्स जो होते थे वो सिल्की, शाइनी एंड स्मूथ हो जाते थे फ्रेंड्स, बट मेरा उससे बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था। 1 ईयर तक मैंने उस शैम्पू को यूज किया, बट उसके बाद जो मेरे हेयर्स थे वो बहुत ज्यादा टूट रहे थे, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था। तो मैंने उसी वक्त उस शैम्पू को यूज करना बंद कर दिया एंड उसी ब्रांड का दूसरा शैम्पू यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो वो शैम्पू है लॉरियल पेरिस टोटल रिपेयर 5। तो फ्रेंड्स ये शैम्पू क्लेम करता है कि ये डैमेज हेयर को रिपेयर करेगा। तो फ्रेंड्स मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इसे परचेस किया था, अभी मुझे 1 मंथ हो चुका है इस शैम्पू को यूज करते हुए एंड इस पे लिखा है 4% रिपेयर कॉन्सेंट्रेट विथ केराटिन। एंड ये शैम्पू 5 प्रॉब्लम्स का 1 सॉल्यूशन है। तो ये 5 प्रॉब्लम्स कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है स्ट्रॉ लाइक, सेकेंड है ब्रिटल, थर्ड है डिहाइड्रेटेड, फोर्थ है स्टीफ एंड फिफ्थ है स्प्लिट एंड। मेरा जो प्रॉब्लम था उस शैम्पू के साथ कि जैसे मेरे बहुत हेयर फॉल हो रहा था, तो इस शैम्पू से मुझे 3-4 वॉश में ही पता चल गया कि मेरे हेयर फॉल नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल भी मेरा हेयर फॉल स्टॉप हो गया है। जब मैं लॉरेल एक्सटेंसो से हेयर वॉश करती थी 1 ईयर के बाद, मतलब 1 ईयर तक मेरे हेयर्स बहुत अच्छे थे, हेयर फॉल भी नहीं था, बट जब 1 ईयर हो गया रिबॉन्डिंग करके एंड उसके बाद मेरे हेयर फॉल, उस शैम्पू से उसके बाद मेरे हेयर फॉल हो रहा था। जब मैं हेयर वॉश करती थी तभी मेरे बहुत सारे बाल टूट जाते थे, तो इसलिए मैंने उसे स्टॉप कर दिया यूज करना एंड उसके बाद मैंने इस शैम्पू को यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स ये शैम्पू जैसे क्लेम करता है कि ये स्मूथ, शाइनी, सिल्की बनाता है आपके हेयर्स को, स्प्लिट एंड्स खत्म करता है, आपके हेयर्स पे एक नरिशमेंट लाता है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये सच में ये क्लेम करता है कि नहीं करता है। तो आप अभी लाइव देख सकते हो, मैंने आज ही हेयर वॉश किया है एंड मेरे हेयर्स पे कितना ज्यादा शाइन है, सिल्की है एंड स्मूथ है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। आज ही मैंने हेयर वॉश किया है लॉरियल टोटल रिपेयर 5 शैम्पू से एंड आप देख सकते हो मेरे हेयर्स कितने ज्यादा स्मूथ हो गए हैं और बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, एक भी हेयर टूटा नहीं है फ्रेंड्स। एंड इसलिए मुझे यह शैम्पू बहुत अच्छा लगा है, फ्यूचर में भी मैं इस शैम्पू को यूज करने वाली हूँ और मेरी तरफ से तो फ्रेंड्स ये शैम्पू हाईली रिकमेंड है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको इसका वेट एंड इसकी प्राइस बताती हूँ। तो इसका वेट है 396 ml एंड इसकी प्राइस है 369। बट अगर आप इसे किसी भी ऑनलाइन स्टोर से परचेस करोगे, लाइक फ्लिपकार्ट या अमेजोन से परचेस करोगे सेल के वक्त, तो आपको ये बहुत हद तक डिस्काउंट पे मिलेगा। तो जैसे कि मैंने ये फ्लिपकार्ट से लिया था सेल के वक्त, तो मुझे ये सिर्फ ओनली 224 रुपीज में मिला था 396 ml का बॉटल। तो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स कि ये ऑनलाइन स्टोर पे सेल के वक्त कितना ज्यादा डिस्काउंट पे मिलेगा आपको, तो एक बार जरूर चेक करना। तो अभी मैं इसका कंसिस्टेंसी आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हो मिल्क जैसा दिख रहा है एंड इसकी कंसिस्टेंसी बहुत वाटरी है, अब एकदम से ये झाग बनना शुरू हो गया, आप देख सकते हो। आप इसे जब यूज करेंगे तो एकदम थोड़ी
इसी क्वांटिटी में ही आपका बहुत ज़्यादा झाग बन जाएगा। मेरी तरफ से तो ये शैम्पू हाईली रिकमेंड है, मुझे तो ये शैम्पू बहुत अच्छा लगा है। एंड हाँ फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है कि एकदम से आप शैम्पू स्विच कर देंगे एंड आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल कभी भी होता नहीं है। क्योंकि जब तक आपके हेयर्स पे वीक में 1 या 2 बार ऑयलिंग नहीं करेंगे, आपके खाने पीने पे ध्यान नहीं दोगे, तो उससे भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं भी अपने हेयर्स पे वीक में 1 या 2 बार हेयर ऑयलिंग जरूर करती हूँ एंड अपने खाने पीने पे भी ध्यान देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे तो ये शैम्पू बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है एंड मेरे हेयर्स पे तो इसने बहुत अच्छा काम किया है। एंड फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे सूट किया है वो आपको भी सूट करेगा। तो आपके खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान दो, ज़्यादा पानी पियो। एंड अगर आपको ये शैम्पू ट्राई करना है तो आप कर सकते हो, आप एक बार इसका छोटा क्वांटिटी वाला पैक यूज करके देखना, आपको ये सूट होगा तो आप बड़े क्वांटिटी वाला बॉटल यूज करना। एंड अगर आपको ये शैम्पू परचेस करना है तो आई एम गिविंग ऑल द लिंक्स डिस्क्रिप्शन बिलो, आप जरूर चेक कर देना। एंड ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।